हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें लिखा हुआ अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड वेदर विच टीम स्टार्ट द गेम। एक कॉइन फ्लिप किया जाता है ये देखने के लिए कौन सी टीम स्टार्ट करेगी गेम को, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, आपकी इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपकी टीम है वो गेम को स्टार्ट करेगी। देखिए, अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन पे हमारे दो केसेस होते हैं, या तो उस पर हेड आ सकता है या उस पर टेल आ सकता है, ठीक है। तो दो केसेस होते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? अ कॉइन हैज पॉसिबल केसेस, पॉसिबल केसेस या आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स ऑन कॉइन आर हैड एंड टेल, एच ई ए डी हैड और टेल। जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये दो हो सकते हैं उस पर, या तो हैड होगा या टेल होगा। तो इस केस में देखिए, आपके पास या तो हैड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने हुए हमारे पास? देयरफोर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या आउटकम्स, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? टू। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू कैसे हुए? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो एक हेड का हो गया एक टेल का हो गया, तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आप चाहे हेड ले लो या टेल ले लो, अगर कॉइन फ्लिप किया जाता है आप या तो हेड मांगो या टेल लो, दोनों केसेस में प्रॉबिलिटी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को चांसेस बराबर है आने का, देयरफॉर प्रॉबिबिलिटी ऑफ गेटिंग PROBABILITY, probability of getting both head and tail, getting both head or tail are equal, or tail are equal, दोनों का probability है वो equal है। Therefore, probability PROBABILITY, probability, किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी? गेम स्टार्ट करने का प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग गेम, STARTING गेम। आप इसमें पूरा लिख सकते हो, क्या चीज़ लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर टीम स्टार्ट द गेम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग गेम क्या हो जाएगा? हम न्यूमरेटर में लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आपने हेड मांगा तो भी वन रहेगा, और टेल लिया तो भी वन। वन क्यों आया? क्योंकि हम उनमें से एक चूज कर रहे हैं। तो आप हेड लो तो भी फेवरेबल वन रहेगा, आप टेल लो तो भी फेवरेबल वन रहेगा, और पॉसिबल केसेस कितने रहेंगे? टोटल टू। कैसे रहेंगे टू? क्योंकि अभी हमने लिखा एक तो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो टू हैं। वो कैसे हैं? एक हमारा हेड है एक टेल है, तो दो हो गए, ये तो जो टोटल पॉसिबल है। लेकिन आपको उनमें से एक चूज करना पड़ेगा, या तो आप हेड लोगे या टेल लोगे, तो फेवरेबल आपका क्या रहेगा? फेवरेबल मीन्स जो आप चूज कर रहे हो, दैट इज वन। तो वन अपॉन टू इसका क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। Thank you.